है ना, वो तो इस तरफ जा सकते हैं लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, इसको क्लीन करना पड़ता है। और इसका मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बता दूं कि अगर आप इसके अंदर ड्यू डाइव। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद, और उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यार सस्ते से सस्ता लीटर बताओ मुझे कौन सा है। तो मैं बड़ा परेशान था काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारी बिल्लियाँ थी। तो मेरे पास, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से पता था कि वुडन शेव, जिसको बूढ़ा कहते हैं लकड़ी का, उसका लीटर बनता है, और लीटर नहीं बनता, उसको एज अ लीटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले नहीं किया था यूज़, लेकिन कुछ टाइम से, कुछ महीनों से मैं वो लीटर यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा पहले लीटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये वाला वुडन शेव है, इस तरह की और भी मिलती है जो कि छिली हुई होती है, वो भी होती है, इस तरह बूढ़ा टाइप भी होता है, ये भी होता है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, वो मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और इस वीडियो का आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बहुत ज़्यादा लोगों के जो है ना जेबें जो हैं वो हल्की होने वाली हैं, हल्की होने से या अब शायद भारी होने वाली, क्योंकि आप लोगों के पैसे जो है ना वो शायद कम लगेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल से मतलब ये है कि इसके अंदर से कुछ निकाला नहीं गया हुआ, कुछ डाला नहीं गया हुआ, जैसे एज इट इज़ ये भट्टी से, वो जो कहते हैं ना लकड़ी वाला जो कारखाना होता है, वहाँ से निकला और हमारे पास आ गया। इसके आगे हम क्या करते हैं, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसको हम थोड़ा सा ना छानते हैं। छानने से मुराद ये है कि इसके अंदर से जो गंद होता है ना थोड़ा बहुत, वो निकालना होता है, क्योंकि वो जो है ना गंद जो है वो बिल्लियों को तंग कर सकता है। सबसे पहले हम इसके ना फ़ायदों के ऊपर जाएंगे, फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो फ़ायदा ही इसका ये है कि यार ये सस्ता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। मेरे ख्याल से ये 15-20-30 रुपये किलो मिलता है, और आप उस हिसाब से लगा ले तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल है। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि सस्ता होने के साथ साथ इसमें से ना जब कैट यूरिन पोटी वगैरह करती है ना, तो स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी एक आम जो लोकल लीटर होता है ना गंदी क्वालिटी का, उसमें से जितनी स्मेल आती है ना, उतनी स्मेल इसके अंदर से नहीं आती। तो ये दो जो फ़ायदे हैं ना, ये इसके हैं। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि यार ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, हो सकता है आपको 5-10 रुपये किलो भी कहीं ना कहीं से जो है वो मिल जाए, या हो सकता है आप लोगों को फ्री भी मिल जाए। अब हम आएंगे इसके नुकसानात की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये रॉ मटेरियल है, इसको अभी थोड़ा सा क्लीन करना है, साफ़ करना है, फिर बिल्लियों को देना है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई जम्स हों जो कि बिल्लियों को लग जाएँ, अक्सर जो है वो स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने इसको डेली के डेली क्लीन करना होता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम ना, मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। अगर मेरे पास कोई बोर्डिंग के अंदर कैट आती है तो मैं कभी भी उसको ये नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो वो गंद मचाएगी बहुत ज़्यादा, और उसको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेरी कैट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत इससे यूज़ टू हो चुकी है, मैं वो वाला लीटर भी यूज़ करता हूँ, ये वाला लीटर भी यूज़ करता हूँ, और इसको हम प्रोसेस करके थोड़ा सा यूज़ करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरे पैसे जो है ना वो बच रहे हैं। तो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा कैश है ना, वो तो इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, इसको क्लीन करना पड़ता है। और इसका मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बता दूं कि अगर आप इसके अंदर ड्यूडाइज़र डाल दें, कोई लीटर ड्यूडाइज़र डाल दें, तो इसका जो है वो जो थोड़ी बहुत स्मेल आती है वो भी आप लोगों को नहीं आएगी। लेकिन डेली के डेली आप लोगों ने इसको चेंज करना होता है, सुबह डाला है तो अगली सुबह या अगले दिन जो है आप लोगों ने इसको चेंज करना होता है, वरना इसके अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं। जबकि दूसरा लीटर उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ स्कूप करें, उसका अपना फ़ायदा है, इसका अपना फ़ायदा है। और नुकसान इसका एक और ये है कि बिल्लियाँ जो है ना गंद बहुत मचाती हैं, इसको बाहर की तरफ फेंकती हैं, और ये सारा बूढ़ा जो है ना वो इर्द गिर्द जो है ना वो फैल जाता है, तो इसका ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो अगर मैं अपने फाइनल कंक्लूजन के ऊपर जाऊँ, तो जो लोगों के पास बहुत सारी कैट्स हैं, मैं उनको मशा दूंगा कि वो लोग ये यूज़ करें, और डेली के डेली से क्लीन करें, लीटर ड्यूडाइज़र डालें, बहुत सस्ता पड़ेगा। जिनके पास एक दो कैट्स हैं तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप लोग जो इम्पोर्टेड लीटर या दूसरा लीटर ही यूज़ करें, आप लोगों को शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, या आप लोग कुछ जो लोग मेहनत कर सकते हैं वो बेशक एक कैट भी रखी हुई है वो लोग ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, इसके नुकसान भी हैं और इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ही बता दिए हम लोगों को, नुकसान भी बता दिए, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हाँ, मेरी अगर बात करें कभी बोर्डिंग पर जो हमारी कैट्स आती हैं, तो मैं उनके ऊपर प्रेफर नहीं करूँगा इसको यूज़ करना, तो अवॉइड ही करूँगा थोड़ा सा। अगर तो बिल्ली बहुत ज़्यादा शरीफ होगी फिर हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लोगों को हो सकता है कि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।